दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, और मैं आज आसान भाषा में ऐसे लोगों को क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में समझाने वाला हूं जिनको कंप्यूटर के बेसिक्स भी नहीं पता। तो आज देखते हैं कि मैं समझा पाता हूं कि नहीं। बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे पास, तो मैं बहुत आसान करने वाला हूं चीज़ें, राइट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ भी छिड़कानी करूंगा मैं। तो देखो भाई, नॉर्मल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, 0101, कोई भी मशीन, कोई भी लाइट या तो बंद होती है या जलती है, और जो कंप्यूटर्स में इसी से कंप्यूटर काम करता है, 010101, इसी बाइनरी से सारा डेटा बना होता है। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर डेटा, चाहे वो कोई इमेज फाइल हो, वीडियो फाइल हो, सॉन्ग हो, ये सारा डेटा या तो 01 के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो या तो कोई मशीन 0 दे सकती है, 1 दे सकती है, इसी के कॉम्बिनेशन से। जैसे कोई डेटा का बाइनरी ऐसे हो सकता है 00111100011100011, किसी का हो सकता है 00111100000010101. तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, इस 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही कोई भी डेटा बना होता है इस दुनिया में, और ये नॉर्मल कंप्यूटर्स ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन बात कर, और इनको बोलते हैं बिट्स। अब जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उसमें एक क्यूबिट होता है, उसको बिट, उसको क्यूबिट बोलते हैं, क्वांटम बिट्स बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि एक ही दोनों की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, मींस वो 0 को भी शो कर सकता है और 1 को भी शो कर सकता है। सो यहां पर 01 के कॉम्बिनेशन में अगर हमें कोई डेटा बना रहा हो तो हमें बहुत बार 0101 इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार में वो एक ही को रिप्रेजेंट करेगा, 0 मीन्स 0, 1 मीन्स 1। लेकिन क्यूबिट्स में, क्वांटम कंप्यूटर के केस में, वो 0 भी शो कर सकता है और 1 भी शो कर सकता है। इससे फायदा ये होता है कि सिर्फ 2 क्यूबिट्स लेकर ही आप इतने सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो जितना आपको यहां पर नॉर्मल बिट्स में बहुत सारी बिट्स लेनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल बिट्स में आप 4 ले लीजिए, 4 बिट्स ले लीजिए, तो यहां पर क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 0011 1100 1010 0101, तो कुछ लिमिटेड ही हो सकते हैं। यहां पर अगर हम 4 क्यूबिट ले लें तो वो चारों क्यूबिट अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करके इतने कॉम्बिनेशन बना सकती है, दैट मीन्स इतना सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है कि इसकी कोई हद नहीं। अब आप बोलोगे कौन सी कंपनी क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है, गूगल करती है, साइम केयर करके कोई एक उनका क्वांटम कंप्यूटर है। वो नॉर्मल कंप्यूटर को जितना 10 साल लगते उस काम को वो 200 सेकंड में कर देता है, क्योंकि वो बहुत सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर की जो बुनियाद है वो यही है कि वो किसी से बड़े सुपर कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी जो बिट्स हैं, जो उसकी फाउंडेशन वैल्यू है, वो बहुत सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किसी सही चीज़ को काउंट किए बिना उसके होने की प्रोबेबिलिटीज और वो सारी चीज़ों को बहुत एडवांस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स में ऐसे एल्गोरिदम चलाए जा सकते हैं जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर कभी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे इंक्रिप्शन को तोड़ा जा सकता है जो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता। और इसकी फील्ड अलग है, इसकी स्टडी अलग है। ये मैंने आपको समझाया कि क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। अब क्या क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आपकी गेमिंग इंक्रीज हो सकती है, क्या बात कर रहे हो यार, गेमिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता है क्वांटम कंप्यूटर। हालांकि अगर कोई इस्तेमाल करता है तो करता है, बट वो एक आइडल चॉइस आपकी नहीं होगी। ये होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, ये होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के बेसिक्स। इसका इस्तेमाल करके और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी स्टडीज होती है, बहुत सारे यू नो ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर मार्केट है, जो आपकी, जैसे आपको गेम खेलना है, आपको ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ करनी है, वेब सर्फिंग करनी है आपको, इन सब में वो इस्तेमाल नहीं होता। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर से मैरियाना वेब में घुसा जा सकता है। इसके बारे में मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, इसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। यहाँ पर मैंने आपको क्वांटम कंप्यूटर के बेसिक्स बताए, आपको कैसे अलग है क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो उस वीडियो पर, अगर भी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, इसको लाइक करना। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।